अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि सरेआम गोली चलाना और दहशत फैलाना आम बात होती जा रही है, जहां बाद में पुलिस महज खाना पूर्ति करती नजर आती है। कुछ ऐसा ही दहशत भरा मामला सामने आया है दिल्ली के द्वारका नजफगढ़ इलाके में, जहां बीती रात अज्ञानता बदमाशों ने नजफगढ़ रोड पर स्थित साई मंदिर के पास बनी एक बिल्डिंग पर लगभग दर्जन भर गोलियां दागी और फरार हो गए। वहीं वारदात की जानकारी बिल्डिंग मालिक को सुबह उस वक्त लगी जब वह बिल्डिंग पर पहुंचा, जहां बिल्डिंग के सभी शीशे टूटे हुए थे और दीवारों पर गोलियों के निशान थे, जिसके बाद बिल्डिंग मालिक ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। वहीं गनीमत यही रही कि यह बिल्डिंग खाली पड़ी थी, जिसे किसी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं इतनी तादाद में खाली बिल्डिंग पर गोली चलाने के पीछे का मकसद अभी तक साफ नहीं हो सका। ऐसे में बिल्डिंग मालिक के मुताबिक उनकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, जहां आशंका जताई जा रही है कि इस वारदात के पीछे किसी गिरोह का हाथ है जो इलाके में दहशत फैलाने के लिए ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहा है। रामकन जी, क्या मामला है ये? रात को पता नहीं कोई अननोन आदमी आए मेरी बिल्डिंग पर, 12 गोली फायर करके चले गए। मुझे नहीं पता कौन है। क्या कोई रंजिश थी? नहीं, मेरी किसी से कोई रंजिश भी नहीं है, ना कोई मेरा किसी से झगड़ा लेना देना है। तो क्या लगता है, ये किसी कोई पागलपन थी? सर, मैं ऐसा किसी का जानता नहीं, ना मैं नाम ले सकता हूँ। बाकी किसी ने गलत नीयत से 12 गोलियां चलाई मेरी बिल्डिंग पे। किसी से कोई दुश्मनी नहीं आपकी? मेरी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है सर। फिलहाल सूचना पाकर मौके पर पहुंची नजफगढ़ थाना पुलिस ने फोरेंसिक जांच के बाद मामला दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। वहीं आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों को भी पुलिस खंगाल रही है, जिससे कि बदमाशों का पता चल सके। हर न्यूज के लिए दिल्ली से सुनील बाल्यान की रिपोर्ट।